हेलो हाय हाय, आप सभी का स्वागत है ब्रेड वाटर टोस्ट पे। मैं सो हूं आपके साथ। तो मैंने आज सोचा कि मैं आपको इम्प्रोवाइजेशन करके दिखाता हूं कि इम्प्रोवाइजेशन कैसे करते हैं। जो लोग एनएसजी देना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जो देना नहीं चाहते उनके लिए भी बहुत जरूरी है। तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए पहला शर्त जो है वो है स्पॉन्टीनियस होना, दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, और तीसरा जो है स्मार्टनेस। क्योंकि आपको कुछ अगर ऑब्जेक्ट मिल गया, कुछ सिचुएशन मिल गया, तो झप से आपको कैसे करना है? सच 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 आपका दिमाग चलना चाहिए। आप सोच में मत ऐसे डूबा रह के मैं सोच रहा हूं। हम सब सोच रहे हैं अब आगे क्या होगा। ऐसे सोचने से बिल्कुल नहीं होगा, आपको एक मिनट के अंदर कुछ करके दिखाना है। तो मैं आज एक इम्प्रोवाइजेशन करता हूं एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक कॉमेडी। ठीक है, तो देख। अच्छा, मैं थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज कर लेता हूं पहले। हाँ, ओ ये आ गया, मैजिक मैजिक। ओके, सो तो चलिए देखता हूं कि मेरे पास आज ऑब्जेक्ट क्या है। एक ऑब्जेक्ट लेके आज इम्प्रोवाइज करते हैं। ठीक है, ओ कैची, एक छोटा सा कैची है मेरे पास। इस कैची से आप बाल काटते हैं, मूछ काटते हैं, जो भी काट सकते हैं। तो इस कैची से क्या करें? अगर मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसा है कि एक आदमी जो लॉकडाउन पे घर पे बंद है, तो इस कैंची से अपने नाक का बाल वो काटता है। और उसके साथ क्या होता है, क्योंकि उसने कभी पहले काटा ही नहीं, वो सलून में जाता था, पार्लर में जाता था, और वहां जाके नाक का बाल वो जो नाई साहब है वो काट देते थे। लेकिन अब तो मुश्किल हो गया, और ये जो मोबाइल फोन है तो ये एक आईना मान के हम चलते हैं। तो क्या क्या हो सकता है देखते, नहीं थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। हाँ, तो मेकअप का सामान आ गया, सब कुछ ना आ जाता है। अगर मैं चाहता हूं ना, मेरे सामने सब कुछ झपझप से आ जाता है। तो क्या मेकअप किया जाए जो मजेदार लगे? अच्छा, ये कर लेता हूं। याद रखिए कि जब भी कोई कॉमेडी सीन हो रहा है, चार्ली चैप्लिन या मिस्टर बीन अगर आप देख रहे हैं, तो या फिर अच्छे अच्छे कॉमेडी माला माल वीकली फिल्म देखें, हेरा फेरी देख लें, यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है कि ओ माय, आप बहुत ज्यादा ट्रेजेडी सिचुएशन होता है। और बहुत ज्यादा ट्रेजेडी जो होता है, जो जब होना होता है लेकिन उसके बदले कुछ और हो जाता है। कुछ होना था, आप जा रहे थे और जाते जाते आप सीढ़ी से धप से गिर गए, तो लोग हंस देते हैं झप से। कुछ जो होना होता है वो नहीं होता है, कुछ और हो जाता है। कॉमेडी तभी क्रिएट होता है। और चार्ली चैप्लिन, मिस्टर बीन या फिर कोई भी कॉमेडी फिल्म देख ले, वो एक्सट्रीम ट्रेजेडी सिचुएशन होता है। और उस ट्रेजेडी में आप सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे के साथ ऐसा होता है, यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए चलिए, अब मान लीजिए आईना है, तो ये अभी नाक देखने की कोशिश कर रहा है। नाक से बिल्कुल, तो जैसे निकाला लगा उसको आंख, मतलब ऐसे के जोर का झटका लगा ऐसे, फिर उसने देखा नहीं निकला, फिर वो यहां पे देखने की कोशिश कर रहा। तो सुबह बोला यार, फिर ये काटने गया, तो नाक पे लग गया इस कैंची से। जब से नाक पे लगा, जैसे ही नाक पे लगा रिएक्ट कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप कोई ऐसे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ कैंची हो, चाकू हो, तलवार हो स्टेज पे, तो आपको कोई लग ना जाए वो, क्योंकि आप एक एक्टर है भैया और वो कैरेक्टर है। ठीक है, जितना भी है जो भी है वो कैरेक्टर रियल नहीं है, आपको रियल की तरह उसको बनाना है। वही आर्ट क्राफ्ट वही है एक्टर का, कि एक कैरेक्टर। तो फिर क्या हुआ, उसका नाक में ऐसे लगा, और लगने के बाद वो फिर ये कैंची से बहुत गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हो गया तो कैंची को बोल दिया, अब कैंची बहुत गुस्सा हो गया और वो डर गया। तो
और कैची को देख रहा है वो। अब कैची फिर से, कैची को कुछ बोलने जाएगा, कैची फिर गुस्सा हो गया। अब उसने देखा ऑडियंस की तरफ और कैची को धीरे से पकड़ा और पकड़ के उसने फेंका और कैची आ गया वापस, कैची का बदला, और कैची ने बदला ले लिया। तो ये ध्यान रखें कि ये सब कुछ जब आप कर रहे हैं, आपको लगे ना प्लीज, जब आप अपने को-एक्टर के साथ एक्टिंग कर रहे हैं तभी उसको कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, कोई तकलीफ, कोई चोट ना पहुंचे, क्योंकि आप एक एक्टर हैं, चोट आपको लग जाएगा, कैरेक्टर को चोट नहीं लगेगा। कैरेक्टर तो आप बना रहे हैं, आपने सोच लिया मैं कत्ल कर लिया ऐसे, या फिर मैंने खून करके खून का एक्सपीरियंस लूंगा, सच में खून कर दूंगा, सच में दारू पी के एक्टिंग करूंगा, बिल्कुल नहीं, वो कुछ और लेवल पे चला जाता है। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करना है आपको, जब भी आप करेंगे तो इन चीजों का बिल्कुल कॉन्शियसली ध्यान रखें। और मैंने एक जो बिगिनर्स एक्सरसाइज है उस पे शर्म की बात की है, शर्म, तो अगर मैं आपके सामने ऐसे नाक दिखा रहा हूं तो ये कैरेक्टर दिखा रहा है, तो इसमें कोई शर्म नाक बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है कि लोग देखेंगे और क्या सोचेंगे, क्योंकि ये परफॉर्मेंस है जिससे लोगों को मजा आए, और जो मजा आने वाली चीज है वो लोग ऐसे ही करते हैं। मैं कुछ और कर रहा होता तो मैं ये नहीं करता आपके सामने, ठीक है। तो चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं, थोड़ा म्यूजिक ऐड करके, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करके, कि ये कैरेक्टर देखने में कैसा लगता है। ओके, तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए स्मार्टनेस, स्पॉन्टेनिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत होती है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क, आप लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एक मिनट का, और कोई भी छुरी, चाकू, कैंची, ब्लेड, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ पहुंच सकता है। तो आप लोग एक कंघी का इस्तेमाल करें, और एक कंघी को आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं या कर सकती हैं वो जरा देखें। और जैसे मैं इसको माउथगन कर सकता हूँ, मैं इसको मोबाइल कर सकता हूँ, मैं इसको बंदूक कर सकता हूँ, मैं इसको टॉर्च लाइट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग अलग तरह से, मैं इसको पंखा कर सकता हूँ, लेकिन वो लगे कि जो है ये बंदूक ही है आपके पकड़ने का तरीका देख के। तो मेरे फेसबुक ग्रुप है, ओपन ग्रुप, वहां पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें और उस पे सीधा ये वीडियो बना के डाल दें। कॉमेडी वीडियो बनाना चाहिए बस एक मिनट का। तब तक के लिए आगे एपिसोड में मिलते हैं, और फीडबैक जरूर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, मेकअप धो के आता हूं।